बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मिट्टी और मॉल घोटाले पर लालू यादव को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने कहा है कि लालू को जनता के सामने अपनी करोड़ों की संपत्ति का सच बताना चाहिए। वहीं उन्होंने इसे अलकतरा और चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया। और मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं और मैं लालू यादव से कहूंगा कि वो बताएं कि एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में उनके शेयर्स हैं कि नहीं है, उनके उनके घर के लोग डायरेक्टर्स हैं कि नहीं है, उसमें करोड़ों की संपत्ति है कि नहीं है, और क्यों ओपी कत्याल जिसको शराब की फैक्ट्री लगाया आपसे इतना प्रेम कैसे हो गया कि उसने सौंप दिया। और अभी तो जानकारी मिल रही है कि मंत्री बनाने की एवज में जमीन लिखवाया गया है, विधायक बनाने की एवज में जमीन लिखवाया गया है, टिकट देने की एवज में जमीन लिखवाया गया है, तो आखिर पूरे बिहार के लोग उन्हीं को जमीन बेचने क्यों चले आए? तो जिनको टिकट दिया, जिन्होंने शराब की फैक्ट्री लगवाया, जिनको मंत्री बनाया सरकार में, वो सब लोग लालू परिवार को जमीन सौंप रहे हैं। और आज मुझे लग रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी जमीन। सांसद पप्पू यादव को जस्टिस संध्या रानी की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने पक्ष में दलील दी, जिसे सुनने के बाद पप्पू यादव को ब्योर जेल भेज दिया गया है। वहीं पेशी के दौरान पप्पू यादव ने एएसपी राकेश दुबे और डीएसपी शिबली नुमानी सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि उनके साथ इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है। इन सभी अफसरों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पप्पू यादव ने बताया कि लालू यादव के लाल तेज प्रताप और पर्यावरण मंत्री बिना टेंडर के मिट्टी बेच देते हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही मोतिहारी शुगर मिल मामले की सीबीआई जांच की भी बात कही। जबरदस्ती अगम कुआ थाना कांड संख्या 44/2017 जो कि यहां के लाखों लड़कों का शैक्षणिक जीवन बर्बाद करते हुए जो परीक्षा लीक हुआ था, उसमें सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं का भी हाथ था। और प्रथम आदेश पत्र उस कांड का देखा जाएगा, उससे ही स्पष्ट है कि उस केस के अनुसंधान पदाधिकारी ने पहले ही गेट में सारा जो वैलेबल एविडेंस है, पीस ऑफ एविडेंस, वाज रिप्लेस्ड। पटना हाईकोर्ट में लालू की बेटी चंदा यादव के खिलाफ पीआईएल दायर किया गया है। चंदा पर आरोप है कि इन्होंने कमर्शियल काम के लिए सीएम आवास के पते का इस्तेमाल किया था। इस मामले में अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने कोर्ट में पीआईएल दायर कर कार्रवाई की मांग की। देखिए, ये पीआईएल जो दायर किया गया है, ये मुद्दा है कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चंदा यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री के आवास का उपयोग अपने आप को कमर्शियली बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया है। तो कोर्ट से ये आग्रह किया है मैंने जनहित याचिका के जरिए कि इसे अपराध घोषित किया जाए और इसे